आज हम कैश फ्लो से रिलेटेड एक प्रॉब्लम लेके आए हैं, कैश फ्लो के किस एक्टिविटी से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। मैंने पहले से एक क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है और सॉल्व भी किया हुआ है, ठीक। ऐसा क्यों? क्योंकि थोड़ा सा इजी रह जाए समझने के लिए भी। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ क्या था कि निकालना क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिए हुए हैं, जो मेन बेसिक चीजें दी हुई हैं वो क्या क्या है? बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। करंट ईयर 55,000, प्रीवियस ईयर 60,000। ट्रेड रिसीवर करंट ईयर 25,000 एंड प्रीवियस ईयर 31,000। आउटस्टैंडिंग रेंट करंट ईयर 12,000, प्रीवियस ईयर 21,000। गुडविल करंट ईयर 40,000 एंड प्रीवियस ईयर 38,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट ईयर 4,000 एंड प्रीवियस ईयर 2,000। And trade payable current year 13,000 and previous year 19,000। अब हम लोगों को निकालना क्या है इसमें, operating activity, क्योंकि और कोई item दिया हुआ नहीं है। और question में क्या दिया हुआ है, calculate cash flow from operating activity from the following data, ये details, okay? अब देखते हैं question को solve मैंने क्या किया है। अब देखिए यहाँ पे current year है, ये previous year, previous year है 31 March 2013 and current year 31 March 2014। previous year में profit थी 60,000, अब हो गए 55,000, यानी प्रीवियस ईयर से अगर कम हो रहा है तो हमारे लिए क्या हो गया, वो लॉस हो गया। तो हम लोगों ने लिखा क्या यहाँ पे, नेट लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014 कितने का है यहाँ पे, 5,000। 5,000 कैसे आया, 60,000 माइनस 55,000, तो कितना आ गया, 5,000। अब इसका हम लोग जो ऐड करते हैं, ऐड आइटम टू बी एडेड में कौन कौन सी आती है, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे से रिलेटेड कोई ऐसे दिया नहीं है, तो नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस तो कुछ है नहीं। तो अब यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे आया था, उसके बाद क्या आता है, एड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब इसमें क्या कौन से आइटम ऐड करते हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स में कौन सा है, ट्रेड रिसीवर हमारी क्या है, हमारी करंट एसेट्स है। अब हम देखते हैं कि हमारी करंट एसेट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। प्रीवियस ईयर में था 31,000, इस ईयर में हो गया 25,000, तो हमारी करंट एसेट्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज हो गया, तो इसका उन्होंने क्या लिखा, ट्रेड रिसीवर्स कितने से, 6,000 से। और आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो यहां नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमारी क्या है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी क्या है, करंट लायबिलिटी है। गुडविल आएगी नहीं, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड ट्रेड रिसीवर। एक चीज और, यहां पर उन्होंने गुडविल को हम लोग नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लेते थे, लिया जाता है, लेकिन यहां पे क्यों नहीं ले रहे हैं, रीजन क्या है, प्रीवियस ईयर में था 38,000, इस ईयर में हो गया 40,000, यानी इंक्रीज हो रही है, यानी आपने गुडविल क्या किया है, परचेस किया। तो इसका इफेक्ट कहां पे पड़ेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, परचेस ऑफ गुडविल, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा। कब आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, यही फिगर का अपोजिट होता है, यानी यहाँ पे 38,000 और यही अमाउंट 40,000 इधर होता है, यानी डिक्रीज होता है। तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिखता है किसमें, एड आइटम टू बी एडेड के हेड में। अब देखिए यहां पे तो इसलिए गुडविल तो आएगी नहीं, इसका मतलब इस अमाउंट का इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हट गया, ठीक है। अब ये तो हट गई, अब बचा क्या, अब इसके आप देखते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये हमारी क्या है, करंट एसेट्स है, ये भी क्या हमारी हो रही, इंक्रीज हो रही है, लेकिन हम लोग चाहिए क्या, डिक्रीज इन करंट एसेट। ट्रेड पेबल हमारी करंट लायबिलिटी है, हमारी क्या हो रही है, ये भी डिक्रीज हो रही है, लेकिन हमें चाहिए क्या, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इसमें क्या आया, ओनली केवल ट्रेड रिसीवर लिखा 6,000, 5,000 की प्रीवियस लॉस थी, अब यहां पर प्लस में कितना आ गया, 1,000। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या आ गई, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, अब देखते हैं यहाँ पे, इसका तो हो चुका था, ये भी हम लोगों ने कर चुके हैं, ये भी हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं करंट एसेट्स में, तो करंट एसेट्स में हमारे क्या आता है यहाँ पे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, प्रीवियस ईयर में था 2,000, इस ईयर में हो गया 4,000, कितने से इंक्रीज हो गई, 2,000 से। तो लिखा क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो माइनस को जब भी शो करेंगे तो किससे शो करते हैं, ब्रैकेट से, कितने से, 2,000 से। अब और कुछ तो है नहीं, यानी ये भी हो गया हमारा। अब क्या आ गया, करंट लायबिलिटी देखते हैं, तो करंट लायबिलिटी में क्या है, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल प्रीवियस ईयर में था 19,000, इस ईयर में 13,000, ठीक है। अब ट्रेड पेबल हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी हो गई। तो उन्होंने लिखा क्या, ट्रेड पेबल कितने से, 6,000, 19,000 माइनस 13,000 कितना आ गया, 6,000। अब ये भी हो गया, अब क्या बचा है,
आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट भी हमारी क्या होती है, करंट लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग रेंट प्रीवियस ईयर में था 21,000, अब कितने का हो गया यहाँ पे 12,000। तो अब ये भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो लिखा क्या, आउटस्टैंडिंग रेंट 9,000, टोटल ऐड किया माइनस में कितना आ गया 17,000, प्लस में था यहाँ पे 1,000, यहाँ पे माइनस में है 17,000, तो नेट इफेक्ट कितने का पड़ा 16,000। ये क्या हो गई, माइनस में आया यानी हम लोगों ने क्या किया, यूज किया। अगर प्लस में आता तो क्या होता, ये फ्लो होता है, अगर माइनस में आई तो हम लोगों ने क्या हुआ, वो यूज हुआ, यानी हमारे यहाँ से आउटफ्लो हो रही है। तब की कंडीशन में यहाँ पर लिखा गया नेट कैश यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना यूज किया गया है 16,000 माइनस में। अब इस टाइप से क्वेश्चन ये था, फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या था और किस हिसाब से था। नेट लॉस फॉर द ईयर था 5,000, फिर डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, फिर ट्रेड रिसीवेबल आया, फिर इसके बाद आया इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग रेंट। ओके, अब इसके बाद भी और भी क्वेश्चन लेके आएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू।